हेलो एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं YET योर इंग्लिश ट्यूटर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां पे इंग्लिश को आप बेहतर बनाते हो अपनी न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स डिस्कस करके। आज सुबह के सेकंड वाले को लेने वाले हम एन एक्ट ऑफ वॉर को, विच इज़ बेस्ड ऑन रिलेशंस बिटवीन USA एंड ईरान। फटाफट से शुरू करेंगे। इन एन इलेक्शन ईयर एन इम्पीच्ड अमेरिकन प्रेसिडेंट इज प्रोवोकिंग वॉर विद ईरान। कह रहे हैं एक इलेक्शन ईयर के अंदर, एक ऐसे साल में जब इलेक्शन पड़ने वाले हैं, एक इम्पीच्ड अमेरिकन प्रेसिडेंट, ऐसा अमेरिकन प्रेसिडेंट जो इम्पीच हो चुका है। इम्पीच होने का मतलब क्या है? जिसको महाभियोग, हिंदी बोलते हैं ना महाभियोग, जिस पर महाभियोग लग चुका है, जिसको बाहर निकालने की प्रोसेस हो चुकी है, वो क्या कर रहा है? वो प्रोवोक कर रहा है, वो भड़का रहा है एक वॉर को, एक हमले को विद ईरान, ईरान के साथ में। सिंपल सेंटेंस था। आज के एडिटोरियल में RC तो है ही, अभी आप एडिटोरियल के नीचे जाएंगे ना, डिस्क्रिप्शन में एक RC के क्वेश्चंस रखे हैं 5-6, इस एडिटोरियल के ऊपर बेस्ड हैं। एडिटोरियल को आप पढ़ेंगे मेरे साथ, पहले RC क्वेश्चंस पढ़ेंगे फिर ये एडिटोरियल पढ़ेंगे मेरे साथ में। आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। अच्छे लेवल के हैं, टुच्चे लेवल के नहीं हैं। मेंस में, SSC बैंक्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जरूर से अटेम्प्ट करें और अपना स्कोर मुझे बताएं। दूसरी चीज़, ये आप देख रहे हो ना ग्रीन, कौन सा ग्रीन ही है ना, ये सारे के सारे ग्रीन है हर सेंटेंस के सब्जेक्ट, और ये आप देख रहे हो ना पिंक, ये हर सेंटेंस की मेन वर्ब, समझ गए? ग्रीन मतलब सब्जेक्ट, पिंक मतलब मेन वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब मैंने आपको दे दी, ढूंढना क्या है आपको? ऑब्जेक्ट ढूंढना है, प्रेपोजिशन ढूंढनी है और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ढूंढना है। हर सेंटेंस की आपकी पार्सिंग हो जाएगी। थोड़ा मुझे टाइम जरूर लग गया ग्रीन, ये ग्रीन जो उसको जो है पिंक करने में 15-20 मिनट, पर मेरा क्या है 10-15 हज़ार लोग जो रोज देखते हो आप, अगर आपको आधा घंटा एक घंटा बच जाए ना तो मेरे 15 मिनट की कोई बात नहीं, तो मैं इस एक्सरसाइज को कर दिया करूँगा जब भी मेरे पास टाइम एक्स्ट्रा होगा। फटाफट से शुरू करेंगे, अभी पार्सिंग करो इस सेंटेंस की। सेंटेंस का सब्जेक्ट बता दिया आपको मैंने, इसका वर्ब बता दिया, अब देखो कौन ऑब्जेक्ट है और कौन प्रपोजिशन है। छोटी सी समरी दे रहा हूँ, हुआ क्या है, USA और ईरान के बीच में बहुत सारे तनाव चल रहा है ऑलरेडी। अभी इराक के अंदर एम्बेसी पे हमला हुआ US की 2-3 दिन पहले। US ने बाद में बोला कि हमले के पीछे ईरान की सपोर्ट वाली एक पैरामिलिट्री फोर्स वो है जिम्मेदार। आज उन्होंने सुबह में उस मिलिट्री फोर्स के सबसे बड़े कमांडर हैं उसको क्या है, उड़ा दिया USA ने, असैसिनेशन कर दिया उसका। अब हो रहा है एक्ट ऑफ वॉर, एडिटोरियल का कहना है वॉर जल्दी होने वाली है। चलिए, कह रहा फ्राइडेज असैसिनेशन ऑफ मेजर जनरल कासिम सुलेमानी। देखो आगे कोमा लगा रहे, द कमांडर ऑफ ईरान्स क्वाड्स फोर्स फॉर ओवर 2 decades इन बगदाद। कह रहे फ्राइडे का जो असैसिनेशन है ना, जो हत्या हुई है, हत्याकांड फ्राइडे को, और हुआ किसका है, ये ऑफ लगा के बता रहा है इन आदमी का जिनका नाम है ये। अच्छा है कौन ये आदमी? ये हैं कमांडर हैं ईरान की इस क्वाड्स फोर्स के, ये फोर्स का नाम है, एक फौज का नाम है, इसके कमांडर है। और क्यों है कमांडर, कब से कमांडर है? 2 decades से, 2 decades 20 सालों से, 2 दशकों से ज़्यादा टाइम से। और कहाँ पे हुआ है असैसिनेशन? इन बगदाद, बगदाद में हुआ। अच्छा असैसिनेशन क्या है? ये है इस अ रेकलेस एंड यूनिलेटरल एक्ट ऑफ प्रोवोकेशन बाय द US। ये एक ऐसा एक्ट ऑफ प्रोवोकेशन है, एक्ट मतलब कारनामा, प्रोवोकेशन मतलब उंगली लगाना, भड़काना। ये उंगली लगाने का एक ऐसा कारनामा है जो एक तो है रेकलेस और एक है यूनिलेटरल। रेकलेस होता है जिसमें आपकी बिल्कुल भी केयरफुल ना हो आप, एकदम जो खुले तौर पे कुछ भी कोई काम करते जाओ ना तो रेकलेस हो जाते हो आप। यूनिलेटरल होता है एक तरफा, बिल्कुल आपकी सारी गलती हो। तो एक ऐसा प्रोवोकेशन है जो रेकलेस है और यूनिलेटरल है, और है किसके द्वारा? बाय द US, अमेरिका के द्वारा। कह रहे दैट कुड ट्रिगर अनदर फुल स्केल वॉर इन वेस्ट एशिया, जो कि हो सकता है ट्रिगर कर दे, हो सकता है भड़का दे एक दूसरी फुल स्केल की, पूरी की पूरी फुल स्केल की वॉर को वेस्ट एशिया में। सेंटेंस में पूरा एक साथ रिपीट करता हूँ सारे पीसीज को जोड़ करके, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। फ्राइडे का असैसिनेशन इस आदमी का, आदमी कौन है जो कि ये कमांडर इस फौज का, और कब से है? 20 सालों से ज़्यादा से। और ये असैसिनेशन कहाँ हुआ है? बगदाद में। और ये क्या है? एक ऐसा एक्ट ऑफ प्रोवोकेशन है जो है रेकलेस और साथ में यूनिलेटरल, समझ गए? जो एक तो खुला और दूसरा है एक तरफा, और है किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। अच्छा ये क्या कर सकता है? ये कर सकता है दैट कुड ट्रिगर कर सकता है, भड़का सकता है एक दूसरे फुल स्केल वॉर को वेस्ट एशिया में। कौन? फ्राइडे का असैसिनेशन। सेंटेंस मैंने बिल्कुल इजीली ना, इजी टर्म्स में आपको बता दिया। इस फ्राइडे असैसिनेशन सब्जेक्ट की वर्ब है इज, देखो आप कैसे है, खुद आप देख करके समझो, ठीक है ना। रेकलेस, यूनिलेटरल दोनों क्या है? एडजेक्टिव है। यूनिलेटरल को याद मत करो, इसको मैं तरीका बताता हूँ याद करने का। यूनि मतलब एक, लेटरल मतलब तरफा, यूनिलेटरल मतलब एक तरफा,
ऐसे ही बाई मतलब दो, बाई लेटर मतलब दो तरफा, मल्टी मतलब कई, तो मल्टी लेटर मतलब बहुतरफा, बहुआयामी, समझ गए? तो यूनिलेटरल, बाई लेटरल, मल्टी लेटरल इस तरह से याद करो ताकि याद रहे आपको, समझो इनको आप। दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, इसकी वर्ब है ट्रिगर, समझ गए? देखो जितने नाउन्स, जितने आपके पास सब्जेक्ट आएंगे उतनी वर्ब आएंगे। कितने सब्जेक्ट आए हैं सेंटेंस में, देखो कितने वाले ग्रीन है, एक ग्रीन ये रहा, एक ग्रीन ये रहा, एक वर्ब ये रही, एक वर्ब ये रही। कोई भी सेंटेंस बिना सब्जेक्ट और बिना वर्ब के नहीं बनता है, जितने सब्जेक्ट होंगे उतनी वर्ब्स होंगी, ध्यान रखना, इसी हिसाब से आगे चलना है। बढ़े आगे, प्रोवोकेशन होता उंगली लगाना, आपने ऊपर प्रोवोक देखा, यहाँ पे ऐसे यहाँ देख रहे हो प्रोवोकेशन, ये जेरेंड है, ये नाउन है। प्रोवोकेशन के बहुत सारे सिनोनिम अभी आगे आएंगे, इंस्टिगेशन, इंसाइटेशन, ट्रिगर, ये ट्रिगर भी इसका सिनोनिम है। कह रहे द स्ट्राइक अगेंस्ट मिस्टर सुलेमानी एंड सेवरल इलाकी शिया मिलिशू मेंबर्स when they were leaving the airport was apparently in retaliation for the storming of American embassy in Baghdad. लंबा सेंटेंस है, बिल्कुल सिंपल है, इसलिए एक साथ ले रहा हूँ। कह रहे जो स्ट्राइक है ना, जो हुई है सामने, खिलाफ किसके हुई है, एक तो मिस्टर सुलेमानी के, और किसके खिलाफ हुई है, बहुत सारे इराक के शिया, शिया रिलीजन के मिलिशू के साथ। मिलिशू क्या होते हैं, आप सिविलियंस को हथियार चलाना सिखा दो और बोल दो तैयार रहना जब तुम्हारी ज़रूरत पड़े, तो वो सिविलियंस बन जाते हैं मिलिशू। तो एक तो सुलेमान हुई और इराक के शिया रिलीजन के मिलिशू मेंबर से खिलाफ हुई है, कब, जब वो लीव कर रहे थे, जब वो निकल रहे थे एयरपोर्ट से, ठीक है ना। तो कह रहे ये स्ट्राइक है ना, ये क्या था, ये वॉज अपेरेंटली साफ जाहिर तौर पे ये थी इन रिटेलिएशन, रिटेलिएशन होता बदले में, ये जाहिर तौर पे थी बदले में, किस लिए, फॉर द स्टॉर्मिंग, उस एम्बुश के लिए, उस स्टॉर्मिंग के लिए, उस जो हमले के लिए जो हुआ था ऑफ द अमेरिकन एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी का, और कहाँ पे, इन बगदाद, बगदाद में, और बाय प्रोटेस्टर, प्रोटेस्टर के द्वारा अर्लियर दिस वीक, इस वीक की शुरुआत में, समझ गए किसके ऊपर स्ट्राइक हुई है, एक तो ये बता रहा है और क्यों ये स्ट्राइक, ये बता रहा है, दोनों चीज़ें इसमें बता दी इसने। मिलिशू आपने मेरे साथ देख लिया, लीव का मतलब छुट्टी होता है, और लीव अगर वर्ब की तरह यूज़ करोगे तो मतलब छोड़ करके किसी चीज़ को जाना, आई एम लीविंग द एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट को छोड़ करके जा रहा हूँ, यहाँ वर्ब है। आई एम टेकिंग अ लीव टुडे, यहाँ पे लीव एक नाउन है, मैं एक छुट्टी ले रहा हूँ, समझ गए, लीव मतलब दोनों को होते हैं। इन रिटेलिएशन को आप बोल सकते हो इन रेट्रीब्यूशन, इन रेवेंज, रेट्रीब्यूशन और रिटेलिएशन और रेवेंज तीनों के तीनों सिनोनिम्स हैं। आगे बढ़े, देखो स्ट्राइक का जो यहाँ पे वर्ब है वो है वॉज, समझ गए, इस डे का वर्ब है लिविंग। इस तरह से चलते जाओ, हर सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब आएगी ही आएगी। कह रहा मिस्टर सुलेमानी हु हैड सेलिब्रिटी स्टेटस अमंग ईरान्स मिलिट्री लीडर्स, कह रहा सुलेमानी साहब जो हैं जिनका था एक सेलिब्रिटी का स्टेटस, और किनके बीच, ईरान के मिलिट्री लीडर्स के बीच में। कह रहा मिस्टर सुलेमानी वॉज हाईली पॉपुलर, सब्जेक्ट हो गया मिस्टर सुलेमानी, वर्ब हो गई वॉज, तो ये थे बड़े हाईली पॉपुलर थे, बड़े लोकप्रिय थे अमंग द हार्ड लाइनर्स, हार्ड लाइनर लोगों के बीच में। हार्ड लाइनर कौन होते हैं, ऐसे लोग जो बहुत हार्ड लाइन पे चलें, जो बातें बहुत जो करें, हार्ड करें, हार्श करें, हर बात पे जूता निकाल लें, वो होते हैं हार्ड लाइनर, समझ गए। दकियान उसी लोग होते हैं, पुराने ख्यालों के लोग होते हैं, बदलने से रजिस्ट करते हैं, हार्ड लाइनर्स। देखिए यहाँ पे सुलेमानी का वर्ब आ गया वॉज, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसकी वर्ब आ गई एट, समझ गए, प्रोनाउन भी एक सब्जेक्ट होता है ना, तो इसकी वर्ब ये, इस सब्जेक्ट की वर्ब ये, जितने सब्जेक्ट उतनी वर्ब्स, एक ही रूल है, ध्यान रखना दिमाग में हमेशा। हु क्यों लगा है, इंसानों के लिए हु लगता है, जानवरों और निर्जीव वस्तुओं के लिए, न्यूट्रल जेंडर के लिए हम लगाते हैं डैट, समझ गए, विच, सॉरी, तो विच डैट जो लगाते हैं मरी हुई चीज़ों के लिए, या जो चीज़ें इंसान नहीं है, हु लगता है इंसानों के लिए, तो हु लगा है। बढ़े आगे, अमंग की जगह अमंगस्ट भी लिख सकते हैं, अमंग और अमंगस्ट में कोई फर्क नहीं होता, एक ज़्यादा फॉर्मल है अमंगस्ट, अमंग और अमंगस्ट में ज़्यादा कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है। कह रहे ही वॉज रिपोर्टेडली वेरी क्लोज टू द सुप्रीम लीडर, कह रहे वो था रिपोर्टेडली, कथित तौर पे ऐसा रिपोर्ट किया जाता है, बहुत क्लोज, बहुत नज़दीक, और किसके, जो सुप्रीम लीडर थे ना वहाँ के, जो कि हैं आयतुल्ला अली खमेनी, ये इनका नाम है, तो ईरान के सबसे सुप्रीम लीडर के सबसे क्लोज था। कह रहे हु वंस कॉल्ड हिम अ लिविंग मार्टर ऑफ द रिवोल्यूशन, जिन्होंने एक बार इनको कॉल हिम कर दिया, बुला लिया, एक जीता जागता मार्टर, एक जीता जागता शहादत देने वाला शहीद ऑफ किस रिवॉल्यूशन का, इस क्रांति का। अब एक बार पूरा सेंटेंस फिर से बता रहा हूँ, बहुत रिपोर्टेडली बताया जाता है कि बहुत क्लोज थे सुप्रीम लीडर के, जिनका नाम ये है ईरान के, ये
और ये कह रहा है जिन्होंने एक बार इनको बोल भी दिया कि वो जीते जागते मार्टर थे, अपने जो है बलिदान देने वाले थे, शहीद थे इस पूरी क्रांति के रिवॉल्यूशन के, समझ गए। हु किसके लगा है? आयतुल्लाह अली खमेनाई के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए वोकैब मैं अभी अलग से नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वोकैब मैंने खबरी पे शुरू की हुई है। जिन लोगों को नहीं पता, खबरी एक ऐप है जिसमें मैं हर रोज़ 5 मिनट की एक ऑडियो डालता हूँ वोकैबुलरी को बेहतर बनाने के लिए। पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से एक वोकैबुलरी चैलेंज चलाया मैंने 30 डेज़ का, 30 दिनों में सारी एग्जाम रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स करवा रहा हूँ, हर रोज़ 10 फ्रेजल वर्ब्स ले रहा हूँ अच्छे से समझा करके। आप चाहें तो वोकैबुलरी के लिए मुझे खबरी पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा है, ऐप डाउनलोड करें और वहाँ पे आप सीधे मेरे चैनल पे आ जाएंगे YT योर इंग्लिश ट्यूटर पे, वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो हर प्लेटफॉर्म पे ना कुछ डाल रहा हूँ मैं, तो आप फ़ायदा लो जितना ले सकते हो। मिस्टर सुलेमानी वॉज ऑल्सो द मेन आर्किटेक्ट ऑफ ईरान्स फॉरन ऑपरेशंस। जो सुलेमानी था ना वो साथ ही साथ था वॉज ऑल्सो मेन मास्टरमाइंड था वो। देखो आर्किटेक्ट मतलब जो किसी चीज़ को बनाए, तो मेन मास्टरमाइंड था किसका? ईरान के रिसेंट हाल के फॉरन ऑपरेशंस का, जो उसने विदेश में ऑपरेशंस किए हैं, समझ गए। कहाँ पे किए हैं? मेनली इन सीरिया एंड इराक, मेनली इन दोनों कंट्रीज में। कह रहा विच वर क्रूशियल इन सेविंग द रिजीम ऑफ बशर अल असद इन सीरिया एंड डिफीटिंग द इस्लामिक स्टेट इन बोथ कंट्रीज। कह रहे ये जो ऑपरेशन है ना, जो कि थे बहुत क्रूशियल, बड़े इंपॉर्टेंट थे सेव करने के लिए, एक तो रिजीम को, हुकूमत को इस आदमी की सीरिया में, और क्या करने के लिए थे? डिफीट करने के लिए थे इस नाम के ऑर्गेनाइजेशन को दोनों कंट्रीज में, समझ गए। सीरिया और इराक में इस तरह से इसने फॉरेन ऑपरेशंस किए। इसका नाम नहीं लूंगा, गूगल जो ऐसी वीडियोस को निकाल दे रहा है आजकल यूट्यूब जिन पे ऐसे नाम आते हैं, तो आप पढ़ लो, मैं बोलूंगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच का यहाँ पे वर्ब है वर, मिस्टर सुलेमानी का वर्ब हो गया वर, आर्किटेक्ट आप जानते हैं मास्टरमाइंड, रिजीम मतलब हुकूमत, इनके बाद में इनके प्रेपोजिशन है ना, प्रेपोजिशन के बाद में जेरेंड आता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो सेव नहीं आया, सेविंग आया, और इसीलिए यहाँ पे आया डिफीटिंग। देखो इन सेविंग एंड डिफीटिंग, तो दोनों जो है इनके बाद लग रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने डिफीटिंग और सेविंग लिखा है। कह रहा है इट वॉज अंडर हिज लीडरशिप, कह रहा है उसकी लीडरशिप के नीचे ही दैट क्या हुआ, ईरान फाउंडेड एंड ट्रेंड शिया मिलिशियस एंड डिस्पैच डैम टू बैटल फील्ड देयर। जो इसकी अंडर, उसकी लीडरशिप के अंदर ही ईरान ने स्थापित किया, फाउंड किया, जो है पकड़ करके लाए वो, और क्या किया उन्होंने, ट्रेन कर दिया इनको शिया मिलिशियस को, और भेज दिया उनको, डिस्पैच कर दिया डैम उनको बैटल फील्ड में। वहाँ बैटल फील्ड क्या होता है? जंग का मैदान, फील्ड ऑफ द बैटल दैट इज कॉल्ड बैटल फील्ड, जंग का मैदान, समझ गए। तो इसकी लीडरशिप में ये हुआ है। इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़ क्या है? ईरान आपका सब्जेक्ट है, फाउंडेड ट्रेंड एंड डिस्पैच्ड इसकी वर्ब्स हैं। अब आप बोलो सर एक सब्जेक्ट की 3 वर्ब्स कैसे आ गई? आ सकती है ना, क्योंकि ये बाकी दोनों वर्ब्स के आगे ईरान नहीं लगाया इसने, एक्चुअल में ईरान ही लगना चाहिए, इसने एंड कंजंक्शन लगा करके आपको ना सीधा से इसने इशारा दे दिया कि मैं ईरान की बात कर रहा हूँ, ईरान फाउंडेड, ईरान ट्रेंड एंड ईरान डिस्पैच्ड, समझ गए। तो इसने क्या लिख दिया? ईरान फाउंडेड एंड ट्रेंड एंड डिस्पैच्ड। तो ऐसा मत सोचना एक सब्जेक्ट की 3 वर्ब कैसे हैं, 3 सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, एंड की वजह से ईरान को मैं ओमिट कर रहा हूँ। अब दूसरी चीज़, फाउंड वर्सेज फाइंड, ये मैं आपको बता चुका हूँ थोड़े दिन पहले, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लो, जिन्होंने देखा रिवाइज कर लो। हुआ क्या था, फाइंड और फाउंड दो अलग अलग वर्ब्स हैं, इनमें होती है बड़ी कन्फ्यूजन। क्यों? क्योंकि फाइंड की सेकेंड फॉर्म होती है फाउंड, और फाउंड की फर्स्ट फॉर्म होती है फाउंड। देखो फाइंड फाउंड फाउंड, फाउंड फाउंडेड फाउंडेड। अब ये फाउंड देखो आप और ये फाउंड देखो तो दिमाग चकरा जाएगा किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी वर्ब की बात कर रहा हूँ इसकी। अब इन्हें फ़र्क क्या होता है? फाइंड मतलब ढूंढना और फाउंड मतलब किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करना, किसी चीज़ को स्थापित करना, हिंदी में बोलते हैं। इसका मतलब ढूंढना, इसका मतलब स्थापित करना। अब आपको खुद देखना है कहाँ पे ढूंढने वाली वर्ब लगानी है और कहाँ पे इस्टेब्लिश करने वाली वर्ब लगानी है, दोनों में कन्फ्यूजन आपको खुद अपने हिसाब से क्लियर करनी है। फाउंड जब लगाना है जब आपको फाइंड की सेकंड फॉर्म चाहिए हो, और यहाँ पे जब सेकंड फॉर्म फाउंड की चाहिए हो तो आपको फाउंडेड लगाना है, फाउंडेड, ठीक है ना। अब मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है, जैसे आई फाउंडेड दिस कंपनी, यू कैन यू फाइंड माई की, आई फाउंड योर की एंड आई फाउंडेड दिस ऑर्गेनाइजेशन, समझो, आई फाउंड योर की एंड आई फाउंडेड दिस ऑर्गेनाइजेशन, मैंने ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित किया और तुम्हारी की मैं ढूंढ के लाया। तो इस तरीके से याद रखें, एक सेंटेंस मैंने बना दिया है, यहाँ पे 2 ब्लैंक्स हैं, 2 ऑप्शन हैं आपके पास दोनों जगह, अपने जजमेंट से बताओ कहाँ पे फाउंड आएगा, कहाँ पे फाउंडेड आएगा, कहाँ पे फाइंड आएगा, कहाँ पे फाउंड आएगा। कोशिश करो, कमेंट्स में डालो, गलत होगा तो सही कर दूंगा, पर जरूर से ट्राई करें यहीं पे अभी रोक के। अब एक चीज़ और, मैं टाइम जरूर दे रहा हूँ पर एक चीज़ और देखो, अब मैं क्लोज से इसका यहाँ क्वेश्चन बनाना चाहूँ, ईरान फाउंडेड, ईरान ट्रेंड, और यहाँ लिख दूँ ईरान डिस्पैच, क्या बोल रहा हूँ मैं, ईरान डिस्पैच या एंड डिस्पैच, तो आपको क्या करना है यहाँ पे डिस्पैच बना देना। क्यों? सेंटेंस के अंदर टेंस को हमेशा बरकरार रखा जाता है,
मैं बोलूँ मैं स्कूल गया, वहाँ मैंने पढ़ाई की, उस मोंटू को मार के आया और मैंने अपना खाना खाया, सब काम मैं पास्ट में बात कर रहा हूँ ना, स्कूल गया, पढ़ाई की, मोंटू को मारा, खाना खाया। इसी बीच में अगर कोई यूँ बोल दे स्कूल गया, पढ़ाई की, मोंटू को मारूंगा और खाना खाया, यार पास्ट की बात हो रही है तो सब काम पास्ट में चलेगा ना, मोंटू को मारूंगा से क्या मतलब है, मोंटू को तो मारा होगा तुमने, स्कूल तो तुम जाके आयो। मतलब कहने का ये है जो टेंस चल रहा है उस टेंस को बरकरार रखें, टेंस को पास्ट से ना फ्यूचर में लाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, सीधे सीधे पास्ट से फ्यूचर नहीं बनता है, समझ लो बहुत कंजंक्शन लगते हैं बीच में। तो ईरान फाउंडेड, ईरान ट्रेंड एंड ईरान डिस्पैच भी आएगा, यहाँ पे विल डिस्पैच लिखा होता तो आप समझ जाते। द मिलिशू फोर्ड अलॉन्ग साइड कुर्दिश पैरामिलिट्रीज, जो मिलिशू ना ये जो ट्रेंड सिविलियंस हैं इन्होंने लड़ाई की साथ में अलॉन्ग साइड कदम से कदम मिला के कुर्दिश पैरामिलिट्रीज के, इन पैरामिलिट्री फोर्सेज के, ऐसी फोर्सेज जो थी कुर्दिश, कह रहा एंड द इराकी आर्मी, और की किसके साथ में, इराक की आर्मी के साथ, और कैसे, विद यूएस एयर सपोर्ट, अमेरिका के एयर सपोर्ट के साथ में, मतलब वहाँ की अमेरिका की हवाई सेना के साथ, और किसके खिलाफ, अगेंस्ट द आईएस इन नॉर्दर्न इराक, इस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ नॉर्दर्न उत्तरी इराक में, और कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम अमरीली टू मोसुल, इस सिटी से इस सिटी तक, समझ गए, ये काम इन कुर्दिश कोर्स इन जो है ना मिलिशियों ने किया है, सबके सब साथ मिलके कदम से कदम मिला के इन्होंने हमला किया था। देखने वाली चीज़ क्या है, सब्जेक्ट ये फोर्ट हो गई आपकी मेन वर्ब, अलॉन्ग साइड आप जानते हैं, चलिए सिंपल था। कह रहा आयरोनिकली द सोल्जर हु हेल्प द यूएस एंड इराकी गवर्नमेंट डिफीट द आईएस has been assassinated, कर आयरोनिकली, बड़ी हंसी की बात है, बड़ी उल्टी सी बात है, ये हास्यप्रद बात है, क्या वो सिपाही जिसने हेल्प की, मदद की अमेरिका की और इराकी गवर्नमेंट की, और क्या काम करने में, हराने में इस ऑर्गेनाइजेशन को, कह रहे ये सोल्जर ही है ना, हैज़ बीन असैसिनेटेड, इसी को असैसिनेट कर दिया गया, कहाँ पे, इनसाइड इराक, इराक के अंदर ही, और करने वाले कौन है, बाय द अमेरिकन अमरीकनी, समझ गए, मतलब अमेरिका और इराक को हेल्प करने वाला था, इराक में ही अमेरिका के हाथ मारा गया, बड़ी आयरनी की बात है, बड़ी पैराडॉक्सिकल बात है, समझ गए। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ क्या है, आयरोनिकली इज एडवर्ब, इसको आप सार्केस्टिकली बोल सकते हो और पैराडॉक्सिकली भी बोल सकते हो, दोनों को तीनों का मतलब क्या है, बिल्कुल उल्टी बात है, हंसी की बात है। द सोल्जर का यहाँ पे वर्ब बन गई has been assassinated, who relative pronoun की verb बन गई helped, समझ गए ना, इस तरह से चल रहे हैं अपने, has been assassinated is a passive voice, be family की verb है, been के बाद में verb की third form लगी हुई है, मतलब soldier के ऊपर काम हुआ है, soldier को assassinate किया गया है, soldier खुद जो है कहीं किसी को assassinate करने नहीं गया, उसको खुद मारा गया। आगे बढ़े, कह रहे this was a crisis foretold by many, कह रहे ये crisis था, ये एक ऐसी आपदा थी, एक ऐसी विपत्ति थी जो फोरटोल्ड थी, एडवांस में बता दी गई थी बाय मैनी, बहुत लोगों के द्वारा, कह रहा एंड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज स्क्वेयरली रिस्पॉन्सिबल, कह रहा और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है ना जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, वो स्क्वेयरली रिस्पॉन्सिबल हैं, रिस्पॉन्सिबल आप जानते हैं जिम्मेदार, स्क्वेयरली मतलब पूरा सीधे सीधे ऑनेस्टली, कह रहा बिल्कुल सीधे सीधे वो रिस्पॉन्सिबल हैं, किस काम के लिए, फॉर वेयर यूएस ईरान टाइज स्टैंड टूडे, कह रहा जहाँ पे यूएस और ईरान के रिश्ते स्टैंड खड़े हैं आज। पूरा सेंटेंस एक बार जोड़ देता हूँ, सिंपल सेंटेंस है, क्राइसिस के बारे में बहुत लोगों ने पहले ही बता दिया था, फॉल्ट रोल था, और अमेरिका के प्रेसिडेंट जिनका नाम है ये, वो टोटली रिस्पॉन्सिबल हैं, स्क्वेयरली रिस्पॉन्सिबल हैं, स्ट्रेट फॉरवर्डली, जहाँ पे किस चीज़ के लिए, जहाँ पे आज अमेरिका ईरान के रिश्ते खड़े हैं, समझ गए, स्क्वेयरली याद रखें, इसको आप एडवर्ब है वैसे तो, इसका मतलब होता है बिल्कुल सीधा सीधा, चारों खाने चित, स्क्वेयरली। चलिए आगे करें, ही सिंगल हैंडेडली डिस्ट्रॉयड द डीटांट बिटवीन द टू नेशंस इस्टेब्लिश बाय द 2015 ईरान न्यूक्लियर डील, कह रहा उसने सिंगल हैंडेडली मतलब एक तरफा, बिल्कुल अपने दम पे ही सिंगल हैंडेडली उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया उस डीटांट को। डीटांट क्या होता है, फॉरेन वर्ड है ये, मतलब बाहर का वर्ड है, इसका मतलब होता है शांति का टाइम, टाइम्स ऑफ पीस। उसने अपने दम पे ही सारा का सारा शांति का टाइम जो है ना डिस्ट्रॉय कर दिया, सारी शांति उसने डिस्ट्रॉय कर दी दो कंट्रियों के बीच में, कह रहा जो कि इस्टेब्लिश हुई थी कैसे, 2015 की ईरान न्यूक्लियर डील के थ्रू, और कैसे इसने किया इसको डिस्ट्रॉय, बाय यूनिलेटरली पुलिंग द यूएस आउट ऑफ द अग्रीमेंट, यूनिलेटरली एक तरफा डिसीजन से पुल करके खींच के अमेरिका को, द यूएस को आउट ऑफ बाहर इस अग्रीमेंट से इन 2018, समझ गए, अपने आप ही इसने यूनिलेटरली अमेरिका को बाहर खींच लिया न्यूक्लियर डील से, कह रहा एंड री इम्पोजिंग सेंक्शंस ऑन ईरान, री इम्पोज करके फिर से लगा करके
प्रतिबंधों को, सैंक्शंस को ईरान के ऊपर। सिंगल सिंपल सेंटेंस है, बोलते हो तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, चलो कर ही देता हूँ, किसी को जो है ना डिफिकल्टी ना हो। उसने सिंगल हैंडेडली ख़त्म कर दिया इस डिटांट को, इस पीसफुल टाइम को दोनों देशों के बीच में, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था, फाउंड हुआ था उस 2015 की न्यूक्लियर डील के द्वारा, जहाँ से, और किया कैसे इसने, अपने आप एक तरफा ही पुल आउट कर लिया, अमेरिका को बाहर खींच लिया इस अग्रीमेंट से 2018 में, और क्या कर दिया, री इम्पोज कर दिया, फिर से लगा दिया जबरदस्ती उन प्रतिबंधों को ईरान के ऊपर। समझो दादागिरी, हर बार दादागिरी, ये कहना चाह रहे हैं यूएस का काम है यहाँ पे। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ कोई भी नहीं है, स्पेशली कोई भी चीज़ इसमें आई नहीं है। यूनिलेटरली आपने मेरे साथ देख लिया है एक तरफा कोई काम होता है सैंक्शन का, दूसरा वाला जो आपने देख लिया, कल आपने देखा था ना सैंक्शंस फंड, फंड को सैंक्शन करना, मंजूरी मिलना, यहाँ पे सैंक्शन को हमने यूज़ किया प्रतिबंधों की तरह, किसी के ऊपर आप सैंक्शन जो लगाते हो, जो है बैन लगाते हो। कह रहे नाउ विद द असैसिनेशन, कह रहे असैसिनेशन के साथ में ही अभी मिस्टर ट्रंप हैज एस्केलेटेड द क्राइसिस। ये ट्रंप साहब है ना, इन्होंने उठा दिया है, एस्केलेट कर दिया है किसको, इस क्राइसिस को, और बड़ा बना दिया इस पूरी मुसीबत को, और कह रहा है टू द लेवल, उस लेवल तक ले आया है नॉट सीन इन द पास्ट, जो कि पास्ट में कभी देखा नहीं गया, समझ गए। अब यहाँ पे सेमी कोलन का कह रहा है नॉट इवन ड्यूरिंग द सीज इन 1979 ऑफ द अमेरिकन एम्बेसी, ना इवन यहाँ तक कि नहीं, नॉट इवन मतलब यहाँ तक कि नहीं, ड्यूरिंग दौरान जो सीज हुआ था, जो हमला हुआ था, जो हथियार लेने का काम हुआ था 1989 में अमेरिकन एम्बेसी का इन तेहरान, तेहरान नाम के सिटी में, और किसके द्वारा, बाय द रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारियों के द्वारा। एक बार सेंटेंस रिपीट करता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, कह रहा है नाउ अभी इस एसोसिएशन के साथ में ही मिस्टर ट्रंप ने उठा दिया है इस पूरी मुसीबत को उस लेवल तक जो आज तक पास्ट में देखी नहीं गई है, वो तब भी नहीं देखी गई यहाँ तक कि ड्यूरिंग दौरान में 1979 के उस सीज के, जो कि हुआ था अमेरिकन एम्बेसी का तेहरान के अंदर, जो है रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारियों के द्वारा। देखिए इसमें समझने वाली चीज़ एक ही है, ट्रंप हो गया आपका सब्जेक्ट, एस्केलेट हो गई आपकी वर्ब। एस्केलेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है ऊपर लेकर के आना। इसको याद करने का तरीका बताता हूँ मैं, अगर आप किसी बड़ी सिटी में रहते हो तो आपने मॉल्स में, और अगर आप किसी छोटी सिटी में भी रहते हो ना तो कभी कभी रेलवे स्टेशन पर आप देखोगे एस्केलेटर्स लगे होते हैं। होते क्या है वो, स्वचलित सीढ़ियाँ, ऑटोमेटिक लैडर्स, आपको उस पर खड़े हो जाना है स्टेप्स के ऊपर, वो आपको ऊपर तक ले जाएगी ऑटोमेटिकली। उन सीढ़ियों को क्या बोलते हैं हम, एस्केलेटर, क्योंकि वो आपको एस्केलेट करती हैं, ऊपर लेकर के जाती हैं। वहाँ से इस वर्ब को और इस नाउन को दोनों को याद रखें, एस्केलेशन क्या होता है। दूसरी चीज़, जो लिफ्ट होती है ना आपको पहली फ्लोर दूसरी फ्लोर पे ले जाती है, उसको भी इंग्लिश में प्रॉपर वर्ड होता है उसके लिए, एलिवेटर। तो एलिवेशन का मतलब क्या होता है, ऊपर लेकर के आना। एलिवेटर जो होती है लिफ्ट, आपको ऊपर लेके आती है। तो एस्केलेटर और एलिवेटर, एस्केलेशन और एलिवेटर, एलिवेशन दोनों जो है सिनोनिम है, दोनों वर्ड्स आपके लिफ्ट से और ऑटोमेटिक लैडर से याद रहने चाहिए आपको। सीज क्या होता है, हमला 1979 में ईरान जो है, तेहरान में, ईरान की कैपिटल है, वहाँ पे अमेरिकन के एम्बेसी में हुआ था, बहुत बड़ा हमला था। आगे बढ़ते हैं, इट माइट हेल्प एन इम्पीच्ड प्रेसिडेंट इन एन इलेक्शन ईयर, हो सकता है ये हेल्प कर दे, मदद कर दे एक ऐसे प्रेसिडेंट को जो इम्पीच हो चुका है, जो महाभियोग जिस पर लग चुका है, कि कहाँ कब करेगी मदद, एक इलेक्शन ईयर में, एक ऐसे साल में जिसमें इलेक्शन होने वाला है। और क्या हेल्प करेगी, टू डाइवर्ट अटेंशन, अटेंशन को डाइवर्ट करने की, अटेंशन को दूसरी तरफ मोड़ने की, और कहाँ से, फ्रॉम हिज डोमेस्टिक वॉस, उसके जो घरेलू परेशानियाँ हैं वहाँ से, और कहाँ से, और क्या करने के लिए, मोबिलाइज पॉलिटिकल सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट को इकट्ठा करने के लिए। तो इन दोनों चीज़ों में हो सकता है इसको हेल्प कर दे। कह रहा बट, लेकिन फॉर अ रीजन ऑलरेडी स्ट्रगलिंग टू कोप विद, एक ऐसे रीजन के लिए जो पहले से स्ट्रगल कर रहा है, जो पहले से ही जूझ रहा है कोप विद करने के लिए, सामना करने के लिए मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारे झगड़ों का, एंड एक्सटर्नल इंटरवेंशंस, और बाहर के दखलंदाजियों का। कह रहा ऐसे एक रीजन के लिए, लेकिन कह रहा इट कुड बी डेंजरसली कॉन्सिक्वेंशियल, ये हो सकता है बहुत ही खतरनाक तरीके से कॉन्सिक्वेंशियल, कॉन्सिक्वेंशियल मतलब जिसके बहुत खराब नतीजे हैं, जो बहुत क्रूशियल हो, बहुत गंभीर हो, बहुत जो है सिग्निफिकेंट हो। सेंटेंस लंबा है, मैं क्या करूं, देखो इतना बड़ा सेंटेंस है, यहाँ से शुरू हो रहा है, कॉन्सिक्वेंशियल पे खत्म हो रहा है। चलो फटाफट से इसको रिपीट कर दें, हो सकता है ये हेल्प कर दे एक इम्पीच प्रेसिडेंट को इलेक्शन ईयर के दौरान डाइवर्ट करने में, हटा देने में अटेंशन को उसके डोमेस्टिक, उसके घरेलू परेशानियों से, और हेल्प कर दे उसको इकट्ठा करने में, मोबिलाइज करने में सर जो सियासी सपोर्ट को, पॉलिटिकल बैकिंग को, लेकिन एक ऐसे रीजन के लिए जो पहले से ही जूझ रहा है क्या करने के लिए, कोप विद करने के लिए, सामना करने के लिए बहुत सारे झगड़ों का,
और बाहर की दखल अंदाजियों का। ऐसे एक रीजन के लिए ना ये हो सकता है बहुत ही खतरनाक तरीके से कॉन्सिक्वेंशियल, बड़ा ही क्रूशल हो सकता है, बड़े खतरनाक इसके अंजाम निकल करके आ सकते हैं। समझ गए, अमेरिका को फायदा होगा पर ईरान के लिए बहुत खराबी होने वाली है, कहने का मतलब ये। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ क्या है, ये तो आप देख ही लोगे, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब देखते जाओगे, जैसे यहाँ सब्जेक्ट वर्ब। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, मोबिलाइज, इसका मतलब होता है सपोर्ट को गैदर करना। 550 लोग लेकर के आपको रैली निकलने ले जाते हो ना, देन यू आर मोबिलाइजिंग योर सपोर्टर्स फॉर द स्ट्राइक। समझ रहे हो मेरी बात, लोगों को इकट्ठा करके धरने पे ले जाते हो ना, तो मोबिलाइज करते हो उन लोगों को, वहाँ से इस वर्ब को याद रखें। कोप विद को कोप अप विद लिखा जाता है मेरे भाई, मत लिखना, कॉमन सी मिस्टेक है, आप जो देखते पहचान नहीं पाओगे, जिनको पता है वही कर सकते हैं। आई कैन नॉट कोप विद द प्रेशर, मैं इस प्रेशर को नहीं झेल पा रहा हूँ। आई कैन नॉट कोप अप विद द प्रेशर, बात वही है पर गलत तरीके से बोल रहा हूँ, ये अप जो है ना गलत है यहाँ पे, कोप अप विद नहीं होता है। फ्रेजल वर्ब में आपने देखा था कल मेरे साथ खबरी पे, कोप विद फ्रेजल वर्ब को कह रहे द अटैक हैज़ ऑलरेडी किल्ड ऑफ इवन द पॉसिबिलिटी, कह रहे जो अटैक है ना इसने पहले से ही किल ऑफ कर दिया है, पहले से ही मार दिया है, इसने ख़त्म कर दिया है, यहाँ तक कि उस पॉसिबिलिटी को, गुंजाइश को भी। और किस काम की, ऑफ रीनिगोशिएटिंग, फिर से बातचीत करने की, फिर से निगोशिएट करने की, और क्या करने की निगोशिएशन, द न्यूक्लियर डील, इस न्यूक्लियर डील पे। अब फिर से तो बातचीत हो ही नहीं सकती, अटैक हो गया सब्जेक्ट, किल ऑफ होगी वर्ब। कह रहा है ईरान माइट सी दिस एज एन एक्ट ऑफ वॉर, हो सकता है ईरान, माइट हो सकता है ईरान इसको देखे एक एक्ट ऑफ वॉर की तरह। एक्ट ऑफ वॉर क्या होता है, किसी पड़ोसी देश ने, किसी दुश्मन ने आप पे हमला कर दिया, एक्ट ऑफ वॉर की तरह देखे, लाइक एनी सॉवरेन कंट्री कुड डू, और उसी तरह से जैसे कि कोई भी संप्रभुता वाली कंट्री, आजाद देश वुड डू देखेगा। समझ गए, वुड डू मतलब वैसा ही करेगा, तो ईरान भी वैसा ही हो सकता है देखे। देखिए यहाँ पे माइट आई है वर्ब, इसको बोलते हैं मॉडल वर्ब, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बेयर इन्फिनिटिव माइट सी। यहाँ पे वुड आई है, यहाँ पे आया उसके बाद में डू। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, क्लोज टेस्ट में आपको बहुत काम आती है, हमेशा याद रखें। करे अ फुल स्केल वॉर वुड बी टोटली डिफरेंट, करे एक फुल फ्लैश जो वॉर है ना, फुल स्केल की जो पूरी वॉर है वो होगी बहुत ही अलग, फ्रॉम द वॉर्स, उन वॉर्स से, उन जंगों से, द यूएस एस फोर्ट, जो अमेरिका लड़ चुका है इन वेस्ट एशिया, इस वेस्ट एशिया नाम के रीजन में। समझ गए, कह रहा है इट कुड ट्रिगर मल्टीपल अटैक्स, हो सकता है ट्रिगर कर दे, हो सकता है ये भड़का दे बहुत सारे हमलों को अक्रॉस द रीजन, पूरे रीजन के जो है, अक्रॉस पूरे रीजन के अंदर, कैसे, डिस्टेबलाइजिंग इट फर्दर, इसको और आगे डिस्टेबलाइज करते हुए। देखिए स्टेबलाइज मतलब किसी चीज़ को जो है संतुलन में लाना, बैलेंस में लाना, डिस्टेबलाइज मतलब बैलेंस से हटाना, और डिस्टेबलाइजिंग मतलब यहाँ पे आपने इसकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म बना दी, तो इसको और आगे इसका संतुलन, इसका बैलेंस खराब करते हुए, और कैसे, कॉज हैवी कैजुअलिटीज, कॉज करते हुए बहुत हैवी कैजुअलिटी को, कैजुअलिटी होती है डेथ, मौतें। कह रहा है एंड हेल्प द जिहादी सलखीदा एंड आईएस रीग्रुप एंड रिमर्ज, हेल्प कर दे इन इस ऑर्गेनाइजेशन को, और इस ऑर्गेनाइजेशन को रीग्रुप करने में, फिर से इकट्ठा होने में, और री इमर्ज करने में, फिर से उभर आने में। सेंटेंस थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है ये भड़का दे बहुत सारे हमलों को अक्रॉस द रीजन, इस रीजन के दौरान, पूरे रीजन के अंदर, और आगे डिस्टेबलाइज करते हुए, बैलेंस को बिगाड़ते हुए, और कॉज करते हुए बहुत हैवी डेथ्स को, और हेल्प करते हुए इस ग्रुप को, और इस ग्रुप को रीग्रुप में होने में, रीग्रुप मतलब फिर से इकट्ठा होना, और रीमर्ज होने में, फिर से उभर आने में, ऐसा हो सकता है हो जाए। ट्रिगर आपने मेरे साथ देख लिया, भड़काना, प्रवोक करना, इंसाइट करना, इंस्टिगेट करना, सबका मतलब ये होता है भड़काना। कह रहा है इट इज़ अनफॉर्चुनेट, ये बड़ी दुर्भाग्य वाली बात है, बड़ी अनलक की बात है, दैट वो ये कि द यूएस, जो अमेरिका है, विच इज़ स्ट्रगलिंग टू गेट आउट ऑफ अफगानिस्तान, जो कि जूझ रहा है, स्ट्रगल कर रहा है गेट आउट ऑफ होने से, बाहर निकलने से अफगानिस्तान में से, आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ वॉर, 18 साल वॉर्स के बाद में। कह रहा है विच डिस्ट्रॉयड, अब देखो वॉर के बाद लगा के विच कह रहा है ये, जिसने डिस्ट्रॉय की, जिसने ख़त्म कर दिया द इराकी स्टेट, इस इराकी स्टेट को 17 ईयर्स अगो, 17 ईयर्स साल पहले। कह रहा है टर्निंग पार्ट्स ऑफ कंट्री इनटू फर्टाइल ग्राउंड्स ऑफ जिहादिस्ट, टर्न करते हुए कई हिस्सों को इस देश के, और कैसे टर्न करते हुए, किस में बदलते हुए, एक बंजर से उपजाऊ ग्राउंड में, एक उपजाऊ जमीन में, किसके लिए, इन लोगों के लिए। कह रहा है इज ट्रिगरिंग अनदर कॉन्फ्लिक्ट, इस किसके लगा है, ये लगा है यूएस के लिए, यूएस ट्रिगर कर रहा है एक दूसरे कॉन्फ्लिक्ट को, एक दूसरे झगड़े को इन द मुस्लिम वर्ल्ड, मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर। सेंटेंस लंबा है, सिंपल सेंटेंस था, अब यहाँ पे इसमें देखने वाली चीज़ ये है, ये विच वाला क्लॉज है ना,
यहाँ से लेकर यहाँ तक का, समझ गए? एक लगा है रिलेटिव क्लॉज, ये दूसरा देखो फिर विथ से एक रिलेटिव क्लॉज लगा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों रिलेटिव क्लॉज को साइड में रख देता हूँ। अब सेंटेंस को पढ़ो, कितना सिंपल सेंटेंस है, रिलेटिव क्लॉज को साइड में रख दो, कह रहा है इट इज अनफॉर्चुनेट दैट द US इज ट्रिगरिंग अनदर कॉन्फ्लिक्ट इन मुस्लिम वर्ल्ड। इस तरीके से आप पढ़ोगे ना क्लोजेस को, ये कॉमा का यही काम होता है, इनको हटा करके सेंटेंस को समझो। तो US की वर्ब हो गई यहाँ पे ट्रिगरिंग, इस विच की वर्ब हो गई स्ट्रगलिंग, इस विच की वर्ब हो गई डिस्ट्रॉयड। इस तरह से आपको सेंटेंस को पकड़ना है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके बताएं और जरूर से RC अटेम्प्ट करें। आई थिंक 90% लोग RC अटेम्प्ट कर रहे हैं अभी। मेरे पास 5,000 से 6,000 लोगों के रिस्पॉन्स जाते हैं रोज RC अटेम्प्ट करने के, अक्रॉस टेलीग्राम व्हाट्सएप एंड यूट्यूब कॉमेंट्स। जो लोग रह गए हैं ना, 10,000 लोग हैं अपने पास ऑन एन एवरेज हर वीडियो में देखने वाले, तो जो लोग रह गए हैं आप भी अटेम्प्ट करो, क्योंकि कंटेंट बना रहा हूँ मैं मेहनत के साथ और पूरे की पूरी ईमानदारी के साथ। तो आप भी अपने आप को ईमानदारी दिखाओ ना, इस कंटेंट को यूज़ करो अपनी बेहतरी के लिए। ज़रूर से लाइक दें, शेयर करें उन लोगों के बीच। खबरी पे चल रही है ग्रामर सीरीज, फॉलो करें, यही डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप डाउनलोड करके, हर रोज़ एक ऑडियो मिलेगी वोकैबुलरी के ऊपर। इजाज़त दें अगली ऑडियो तक के लिए, कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं मुझसे। साइनिंग आउट अगली वीडियो तक के लिए। कल पब्लिश करेंगे ग्रामर वीडियो, एक स्पेशल वीडियो फॉर मेंबर्स ऑन PQRS। प्रोबेबली कल रात तक मेंबर्स के लिए वीडियो PQRS की अपलोड हो जाएगी। ज़रूर से चेकआउट करें। साइनिंग आउट।